महिला सचिव प्रियंका गांधी ने प्याज और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। वहीं सूत्रों के अनुसार पेट्रोल की कीमत 75 रुपए के पार पहुंच गई है और देश के कुछ हिस्सों में प्याज की कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंच गई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, जनता को महंगाई ने परेशान कर रखा है। प्याज कई जगह 200 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुका है। पेट्रोल महंगा होकर 75 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुका है। बीजेपी सरकार अभी निद्रा के मूड में ही लग रही है। प्याज सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले हफ्ते संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्याज की कीमत के मुद्दे पर गर्मागर्म बहस हुई, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह व निर्मला सीतारमण पर टिप्पणी की थी। चौधरी ने कहा था, पूरे देश में बाजारों में आग लगी हुई है क्योंकि सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, विशेष रूप से प्याज की कीमत। केंद्र सरकार प्याज को 67 रुपए प्रति किलो की कीमत पर आयात कर रही है, जबकि इसे बाजार में 130 से 140 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। सरकार का कहना है कि बेमौसम बारिश के कारण प्याज की कीमत बढ़ रही है, जिसने देश के कई हिस्सों में फसलों को नुकसान पहुंचाया है। आयातित प्याज केवल जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह तक उपलब्ध होगा। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।